बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आप देख रहे हैं सोहेब बिन नूर यूट्यूब चैनल। आज की इनसाइड स्टोरी में मैं डिस्कस करूंगा एक बहुत मेजर डेवलपमेंट। पाकिस्तान ने अपनी खारजा पॉलिसी को मुकम्मल तौर पर तब्दील कर लिया है और ख़ास तौर पर कश्मीर को मद्देनज़र रखते हुए पाकिस्तान की पहले दिफाई पॉलिसी थी, लेकिन अब पाकिस्तान ने अपनी दिफाई पॉलिसी को जारहाना में बदल दिया है। और ये कैसे मुमकिन हुआ और इस बात का सबूत क्या है, ये तमाम मैं आपसे बातें डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वीडियो को लाइक करें, नए आने वाले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक करें ताकि आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको वक्त पे मिल सके। तो व्यूअर्स, आपको बताते चलूँ कि कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान का मौकफ हमेशा से दो टोक रहा। यहाँ पर कोई भी हुकूमत हो, पाकिस्तान का मौकफ कभी भी नहीं बेचा गया। पाकिस्तान का हमेशा से यही मौकफ रहा है कि कश्मीर पाकिस्तान की शहरग है और कभी भी पाकिस्तान इसका किसी भी किस्म का सौदा नहीं तस्लीम करेगा। तो बात बिल्कुल दुरुस्त है और कश्मीर के हवाले से पाकिस्तान ने पहले दिफाई अंदाज अपनाए रखा, OIC की मिनतें की, GCC ममालिक की मिनतें की, अक्वामे मुत्तहिदा में जाके बारहा बताया, पाकिस्तान ने अमेरिका में जाके बताया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म का जहाँ जहाँ भी दौरा होता रहा, वो यूरोपीय ममालिक का हो, वो वेस्टर्न कंट्रीज़ का हो, या इसके अलावा अगर हम बात करें मशरिक़ वुस्ता का हो, तो उसके बावजूद पाकिस्तानी वज़ीर आज़म इमरान खान हर जगह पर इस बात को हमने देखा कि दोहराते हुए नज़र आए कि मकबूज़ा कश्मीर और मकबूज़ा फ़लस्तीन ये दो ऐसे इलाके हैं कि अगर इनमें क्याम अमन मुमकिन हो जाए तो पूरी दुनिया में क्याम अमन मुमकिन हो सकता है। अगर हम बात करें वज़ीर आज़म इमरान खान की तारीखी तकरीर की, तो उसके अंदर भी उन्होंने बरमला मकबूज़ा कश्मीर का जिक्र किया, उन्होंने फ़लस्तीन का जिक्र किया, उन्होंने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, उन्होंने जिक्र किया कि मुसलमानों के खिलाफ जो जुल्म सितम जारी है दहशतगर्दी के नाम पर, उसका मुकम्मल तौर पर खात्मा होना चाहिए। और उनका यह भी कहना था कि इस वक्त की जो मुसलमानों की कॉन्ट्रीब्यूशन हैं उन्हें मद्देनज़र रखा जाना चाहिए। किसी एक ग्रुप का या किसी एक इंडिविजुअल का अगर कोई भी हमला किसी की जानब से होता है, तो वेस्ट में अगर ऐसा वाक़ा हो तो वो उसे कहते हैं कि वो बंदा मैंटली रिट्रेटेड था, वो साइको था। लेकिन अगर दूसरी जानिब अगर कोई मुसलमान इस तरह की हरकत करता है, तो तमाम के तमाम जो मुसलमान हैं उन पर इल्ज़ाम धर दिया जाता है, या जो इस्लाम है मज़हब इस्लाम उसे ही नऊज़ बिल्ला दहशतगर्दों का मज़हब करार दे दिया जाता है। तो व्यूवर्स, बात मैं करूंगा पाकिस्तान का ये जो शेफ्ट आया बहुत बड़ा, ये किस तरह से आया है। तो वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी एक निजी टीवी चैनल के शो में बात कर रहे थे, बल्कि काशिफ अब्बासी के साथ वो बात कर रहे थे उनके शो में, और उनका क्या कहना था पहले वीडियो देख। काशिफ, फिर आपने अहम बात कर दी, आप तो मेरे दिल की बातें कर रहे हैं। देखिए, हम OIC के शुक्र भी हैं, उन्होंने ह्यूमन राइट्स पर बड़ी उम्दा स्टेटमेंट्स दी हैं। हम OIC के मशहूर भी हैं कि अभी हालिया COVID-19 में जो मिनिस्ट्रियल मीटिंग हुई थी, उन्होंने हमारे जो जॉइंट स्टेटमेंट है बड़ा मौसर है। लेकिन मैं ये कहता चलूँ, हम एक साल से उनको दरख्वास्त कर रहे हैं कि फ़लस्तीन का मसला हो, कश्मीर का मसला हो, ये दो बुनियादी मसले हैं जो OIC के दिल के करीब थे, और वहाँ जुल्म हो रहा है। आज उम्मा के लोग देखें कि बाबरी मस्जिद 300 साल पुरानी मस्जिद को शहीद करके आज वहां राम मंदिर की ईंट रखी जा रही है, वो ऐसी खामोश रहेगी और क्यों रहेगी। अब मैं आज आपके प्रोग्राम पे अपने कद से बड़ी बात करने की जुर्रत कर रहा हूं। मैं एक मरतबा फिर OIC की लीडरशिप में मोतबाना गुजारिश करूंगा। काउंसिल ऑफ फॉरेन मिनिस्टर का इजलास हमारी तवक्को है, अगर आप ये नहीं बुला सकते तो फिर मजबूरन मैं अपने वजीर आजम से कहूंगा कि वो मुस्लिम ममालिक जो कश्मीर के इशू पर हमारे साथ खड़े होना चाहते हैं और कश्मीरी मजलूमों का साथ देना चाहते हैं, उनका इजलास बुला दे, चाहे वो OIC के फोरम पर हो या ना हो। आज OIC को फैसला करना है कि क्या इस पाकिस्तान के हसास जो एक फाउंडिंग मेंबर पर वो हमारा साथ देना चाहती है कि नहीं। वक्त आ गया है कि OIC अब जो है वो कहते हैं ना, ये जो बच बचाओ आंख बचोली से बाहर निकले। यार ये बहुत बड़ी बात कर दी आप, एंड यू रियलाइज कि आपने कहा कल से बड़ी लिख दी है कि मैंने इसलिए की है, इसलिए कि काशिफ मैं दिल जला हूं, मैं इसलिए की है कि मैं समझता हूं ये दफ्तर खारजा में भी परेशानी फैल जाएगी, मुझे पता है जो मैंने कह दिया, लेकिन मुझे पता है जो कश्मीर को सिसक सिसक के मार रहे हैं, जो उनका खून हो रहा है, जो उनकी अस्मतें लूट रही हैं,
कब तक खामोश रहेंगे, कब तक पाकिस्तानी, कब तक मैं बहसीत पाकिस्तान के वजीर खारजा खामोश रहूंगा, मजीद खामोश नहीं रह सकता। जी व्यूअर्स, आपने देखा कि शाह महमूद कुरैशी ने दो टोक मौकफ अपनाया। उन्होंने मुदबाना तरीके से ये बात कही है कि ओआईसी और इसके अलावा जीसीसी कंट्री सऊदी अरब मुकम्मल तौर पर खामोश रहे। 5 अगस्त के बाद से उन्होंने चुप साधे रखी और उन्होंने भारत की जो जुल्म बर्बरियत है उसके खिलाफ कोई आवाज़ नहीं उठाई। फिर अभी 5 अगस्त पे एक और वाकया होता है जब बाबरी मस्जिद की जगह पे राम मंदिर के वहाँ पर संगे बुनियाद रख दिया जाता है और राम मंदिर की तामीर के हवाले से एक बहुत बड़ी सेरेमनी होती है, तो ओआईसी कंट्रीज़ की जानिब से किस किस्म का कोई मजम्मती बयान सामने नहीं आता। तुर्की ने इसके खिलाफ बयान दिया, कई और ममालिक थे जिन्होंने इसे रद्द किया और कई ऐसे ममालिक थे जिन्होंने कहा कि हम भारत के इस दहशतगर्दी को कबूल नहीं करते। लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो बाकी मशरिक़ वुस्ता के कई बड़े बड़े ममालिक हैं जिन्होंने इस पर किसी किस्म की अपनी ज़ुबान को जुम्बिश देना शायद गुनाह कबीरा समझ रखा था और मुकम्मल खामोश रहे। अब यहाँ पर यह बात वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की बिल्कुल ठीक है कि सऊदी अरब ने हमें मना किया था कि अगर आप मलाइशिया गए, जो कि एक वहाँ पर समिट हुआ था जिसमें तुर्की भी शिरकत कर रहा था, कई एशिया के ममालिक शिरकत कर रहे थे, तो पाकिस्तान अपने आप को तन्हा समझे और यहाँ से अफरादी कुव्वत को निकाल दिया जाएगा। वज़ीर आज़म इमरान ख़ान नहीं जा सके, उन्हें कड़ी तनकीद का भी सामना यहाँ पर करना पड़ा और हमने देखा कि वही अपोजिशन हमेशा से जैसे वावेला करती है, उनके जो यहाँ पे छोड़े हुए कुछ लोग थे उन्होंने बड़े सोशल मीडिया पे कैंपेन्स चलाई और उनका यही कहना था देखो जी पाकिस्तान को तनहा कर दिया और पाकिस्तान जो है तुर्की के ब्लॉक से हट गया, पाकिस्तान अमरीका के कहने पर नहीं गया, पाकिस्तान इसराइल के कहने पर नहीं गया। हालाँकि असल वजह ये थी, खैर कहना तो ये इसराइल और अमेरिका का था क्योंकि वो सऊदी अरब को हमेशा इस्तेमाल करते हैं जब भी उन्होंने कोई बात मनवानी हो पाकिस्तान से और इस वजह से बात मान ली गई। लेकिन बदले में सऊदी अरब ने भारत के साथ अपना रवैया ज़रा भी तल्ख नहीं किया और सऊदी अरब ने ये भी खातिर में नहीं लाया कि पाकिस्तान के साथ जो उसके ताल्लुकात हैं वो अच्छे नहीं हैं। कश्मीर पे ओआईसी की लफ्जी कुछ हमने देखा बयानबाजी सामने आई और भारत को ये कहा गया कि जी जो आप शिरकत कर रहे हैं हमारे इजलासों में आपको मकबूजा कश्मीर के हवाले से भी फैसला करना होगा। लेकिन वही बात है, आमदन नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन वाली सिचुएशन है कि जिस पर कोई अमल दरामद नहीं, सिर्फ थोड़ी सी जुम्बिश दे देना ज़ुबान को या कुछ अल्फाज बोल देना या कुछ एक पेपर लॉन्च कर देना प्रोटेस्ट का, तो उससे बात नहीं बनती। अगर इसी तरह से बात बननी होती तो कब की बन चुकी होती। जबकि अगर यही अरब ममालिक चाहें तो ये एक हफ्ते में मसला फ़लस्तीन भी हल कर सकते हैं और मसला कश्मीर भी हल कर सकते हैं। अनफॉर्चुनेटली इसराइल या अमेरिका जब भी मुस्लिम ममालिक को लड़वाना चाहता है तो हमारे यहाँ एक ही वॉर ट्रिगर होती है और वो होती है फ़िरकावारियत की। जो सुन्नी ममालिक है उन्हें शिया ममालिक से लड़ाया जाता है और जो शिया ममालिक है उन्हें सुन्नी ममालिक से लड़ाया जाता है। और इवन अगर मैं बात करना चाहूँ, आप इनके तमाम न्यूज़पेपर्स इनके जर्नल्स उठा के देख लें तो उसके अंदर क्या कोड किया जाता है, तफरीक कैसे डाली जाती है, माइंड कैसे बनाया जाता है, माइंड प्रोग्रामिंग कैसे की जाती है कि कहा जाता है शिया इस्लाम एंड सुन्नी इस्लाम, यानी इस्लाम में पहले ही डाइवर्जन कर दी, पहले ही दो रुख उसके मोड़ दिए कि ये दोनों अलग अलग हैं, इनका आपस में किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं है। पढ़ने वाला क्या पढ़ेगा, अच्छा वो कोई और इस्लाम है, ये कोई और इस्लाम है, हालांकि इस्लाम सिर्फ एक ही है और इसके अलावा इस्लाम कोई नहीं है। लेकिन एक तफरीक डालने की कोशिश की जा रही है, सिर्फ दूसरे लोगों को कन्विंस नहीं किया जा रहा बल्कि अपने लोगों को भी कन्विंस किया जा रहा है कि शिया कुछ और हैं और सुन्नी कुछ और हैं। यही अमल पाकिस्तान में दोहराया गया, बार बार दोहराया गया, बार बार लड़ाइयाँ करवाने की कोशिश की गई, कभी उनके जाकिरीन को कत्ल कर दिया जाता, कभी सुनियों के जो आलमदीन थे उन्हें कत्ल कर दिया जाता, शहीद कर दिया जाता, ताकि ये आपस में लड़ें और एक ऐसा नेक्सस बिल्ड करने की कोशिश की जाती थी कि पाकिस्तान में शिया सुन्नी फसादात किसी ना किसी तरीके से उन्हें हवा मिले। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर जो हम पाकिस्तानी हैं काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह अब शऊर रखते हैं, समझ आ गई है, पाकिस्तानी कौम फ़िरकावारियत से निकल चुकी है, दहशतगर्दी की समझ आ चुकी है। कहीं इक्का दुक्का ऐसे शिद्दत पसंद होंगे या एक शिद्दत पसंदी जिनके माइंड में होगी जो इस बात को सख्त तस्लीम करते होंगे, लेकिन अक्सरियत पाकिस्तान की अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी है जो कि अग़यार की तमाम साजिशों को, सहूनी तमाम साजिशों को मुकम्मल तौर पर समझ चुकी है। तो व्यूवर्स, मैं बात करना चाहूँगा वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की। उन्होंने कहा कि ओआईसी ममालिक से मैं फिर मुदबाना गुजारिश करता हूँ कि भारत पे प्रेशर डालें और अगर वो ऐसा नहीं करते तो वो एक वाहिद एटमी कुव्वत को खो देंगे, यानी पाकिस्तान एक नए ब्लॉक को ज्वाइन कर लेगा। और ये ब्लॉक कौन सा है, जो कि मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी कहा था, ये ब्लॉक होगा चीन, रूस, तुर्की, ईरान, ख़ासतौर पर वस्ती एशियाई रियासतें, श्रीलंका, नेपाल, भूटान,
बांग्लादेश, जैसे कि मैंने पिछली अपनी वीडियो में भी ये कहा था कि बांग्लादेश से पाकिस्तान के ताल्लुकात बहुत बेहतर हो रहे हैं और आने वाले दिनों में हम मेजर डेवलपमेंट्स भी देखेंगे। इसके अलावा कतर और कई ऐसे अरब ममालिक हैं जो अंदरूनी खाना भी पाकिस्तान के साथ रबते में हैं, तुर्की के साथ रबते में हैं, और वह यही चाहते हैं कि इस गठजोड़ को मज़ीद मजबूत किया जाए। और ये जो नेक्सस हम देख रहे हैं इसमें सऊदी अरब हमें तनहा इस वजह से नज़र आ रहा है क्योंकि सऊदी अरब कभी भी अमेरिका के जाल से बाहर नहीं निकलना चाहता। अभी इवन जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं न्यूम सिटी के, वो तमाम इसराइल को दे दिए गए हैं और उसे एक बड़ा एडवांस और मॉडर्न किस्म का सिटी बनाया जा रहा है कि जहाँ पर क्लब्स होंगे, बार्स होंगे, जहाँ पर कैसिनोज होंगे, और सऊदी अरब बिल्कुल उसी रवश पर चल रहा है जो इस वक्त मुत्तहिद अरब अमारात में हो रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस भी सामने आ रहा है। इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी का एक और बड़ा ही अहम नुक्ता था, उनका ये कहना था कि महातीर मोहम्मद को हमने आगाह कर दिया था कि ये कुछ हमारे साथ होने जा रहा है। और उन दिनों में आपको अच्छी तरह याद होगा कि उसके बाद रजब तैयब एर्दोगान की एक स्टेटमेंट भी सामने आई जिसमें कहा गया था कि सऊदी अरब के प्रेशर की वजह से वज़ीर आज़म इमरान खान इस समिट में शिरकत नहीं कर पाए। महातीर मोहम्मद खामोश रहे लेकिन उनका यह कहना था कि हमारे अपने भाई ऐसा नहीं चाहते कि हमारी ताकत मजबूत हो। खैर उस इजलास में एक बात हुई थी अहम कि बार्टर ट्रेड में हम तमाम अपनी ट्रेड्स का आगाज़ कर देंगे। अब ये बार्टर ट्रेड क्या है? जो शय मेरे पास किल्लत में है और दूसरे मुल्क में वाफर मकदार में है तो हम उसमें एक्सचेंज कर लिया करेंगे, या सोने में एक्सचेंज हुआ करेगी, या इसके अलावा जो दीगर कुदरती मादनियात हैं, कीमती मादनियात हैं, उसके अंदर सारी ट्रेड हुआ करेगी। यानी डॉलर को बाय बाय कर दिया जाएगा और डॉलर का ये जो प्रेशर है ख़ासतौर पर दीगर ममालिक पे एक जाली करेंसी का, ये भी ख़त्म हो जाएगा। तो ये एक बड़ा अच्छा स्टांस लिया गया था उनकी जानिब से। अब चाइना भी इस बात पे एग्री करता है, ईरान को भी इस बात पे रजामंद किया जा रहा है, रूस पहले इस पे राज़ी है कि अब हमें आपस की या तो अपनी करेंसी को लॉन्च करें, और अपनी करेंसी लॉन्च नहीं करते तो हम मकामी करेंसी में ट्रेड करेंगे। पाकिस्तान काफ़ी हद तक इस पर डेवलपमेंट शो कर चुका है, चीन में भी काफ़ी हद तक डेवलपमेंट हो चुकी है, बस आहिस्ता आहिस्ता इसमें मज़ीद अमल दरामद हो रहा है। और चाइना इस हवाले से कुछ पाकिस्तान में अपने बैंक्स भी खोलेगा और बैंकिंग सेक्टर जो है ना सिर्फ पाकिस्तान में खोल रहा है बल्कि तमाम ममालिक में खोला जाएंगे। चाइना को काउंटर करने के लिए भी इसराइल ने अपनी तरफ से बड़ी कोशिशें की और ताइवान का मामला उठाया, इंडोनेशिया को उकसाया, जापान को उकसाया, इसके अलावा जनूबी कोरिया को उकसाया, भारत को भी उकसाया, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि उसे हर महाज पे शिकस्त हो रही है। बदले में चाइना ने एक बहुत बड़ी चाल चली है और चाइना की ये चाल भी मैं अपने आने वाले प्रोग्राम्स में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये बड़ी बहुत बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है, लेकिन थोड़ा सा आपको मैं बताता चलूँ कि अब नेपाल पाकिस्तान के साथ एंगेज होगा, सीपैक का हिस्सा बनेगा, और नेपाल पर जो भारत का असर रसूख है वो मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। पाकिस्तान की तरह एक नया नक्शा नेपाल ने भी जारी किया है। अब कुछ लोगों का ये कहना था कि नक्शे से क्या होता है, तो नक्शे से बिल्कुल यही होता है कि जैसा कि अग्यार नक्शे बनाया करते थे पाकिस्तान के, और नक्शे बना के दूसरे मुल्क को प्रेशराइज़ किया जाता था, माइंड प्रोग्रामिंग की जाती थी, फिफ्थ जनरेशन वॉर, मीडिया वॉरफेयर, हाइब्रिड वॉर, सिक्स जनरेशन वॉर, यही वॉर्स हैं जो कि ट्रिगर कर दी जाती थी, और फिर एक प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता था, खामखा का प्रेशर जो कि होता भी नहीं था। तो यही प्रेशर पाकिस्तान ने बिल्ड किया और उसके बाद जो भारत की हालत है उसका जो मीडिया वावेला कर रहा है, ये वीडियो देखिए आप। नेपाल के बाद अब पाकिस्तान ने भी एक विवादित नक्शा जारी कर भारत के कुछ क्षेत्रों पर अपना दावा ठोका है, हालांकि भारत ने इसे बेतुका बताया है। पाकिस्तान ने एक नक्शा जारी कर जम्मू कश्मीर के सियाचिन, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपना हिस्सा बताया है। देखिए रिपोर्ट। पाकिस्तान ने एक बार फिर अपना असली चेहरा दिखा दिया है। इस बार भारत पर निशाना साधने के लिए पाकिस्तान ने अपना नया राजनीतिक नक्शा जारी किया है। इसके जरिए पाकिस्तान ने भारत के साथ के विवादित क्षेत्रों को लेकर अपना दावा ठोका है। अब पाकिस्तान कोई कारनामा करे और उसमें कश्मीर शामिल ना हो, ये तो संभव नहीं है। जाहिर तौर पर इस नक्शे में भी कश्मीर के एक क्षेत्र शामिल है और सियाचिन पर पाकिस्तान ने खुलकर दावा किया है। हैरान करने वाली बात तो ये है कि कश्मीर ही नहीं गुजरात के हिस्सों को भी पाक ने अपना बताया है। जूनागढ़ और मनवादर, जहां 1948 में जनमत संग्रह के बाद भारत में विलय कर लिया गया था, उन तक को पाकिस्तान के नक्शे में अपना दिखाया गया है। माना जा रहा है कि समुद्र से जुड़े इन क्षेत्रों की संपदाओं पर पाकिस्तान की नजर है, इसीलिए उसने ऐसा कदम उठाया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत ने पाकिस्तान के हिस्से वाली जमीन पर अवैध निर्माण कर रखा है। सर क्रीक में हिंदुस्तान जो दावा करता था, नक्शे में उसे खारिज कर दिया गया है। पाक का दावा है कि उसकी सीमा पूर्वी तट की ओर है, जबकि भारत का दावा है कि ये पश्चिम की ओर है। 70 साल से सर क्रीक को लेकर विवाद जारी है। कच्छ के रण की दलदल के क्षेत्र में सर क्रीक 96 किलोमीटर चौड़ा पानी से जुड़ा मुद्दा है। इससे पहले बाण गंगा के नाम से जाना जाता था।
यह अरब सागर में खुलता है और एक तरह से गुजरात के रण को पाकिस्तान के सिंध प्रांत से अलग करता है। इसे लेकर कच्छ और सिंध के बीच समुद्री सीमा पर विवाद है। हालांकि भारत ने इस विवादित नक्शे पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। भारत की ओर से प्रतिक्रिया में कहा गया है, यह बेतुका राजनीतिक कार्य है, पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। इन हास्यास्पद दावों की न तो कानूनी वैधता है और न ही अंतर्राष्ट्रीय विश्वसनीयता। वास्तव में यह सीमा पार से आतंकवादियों को भारत में भेजने के पाकिस्तान के जुनून की वास्तविकता की पुष्टि करता है। पाकिस्तान ने उस वक्त इस नक्शे को जारी किया है जब कश्मीर से विशेष राज्य का दर्जा खत्म किए हुए एक साल पूरा हो गया है। कश्मीर और लद्दाख में कई क्षेत्रों पर पाकिस्तान पहले से दावा करता रहा है, लेकिन इस बार उसने गुजरात के जूनागढ़ को भी अपना बताया है। सियाचिन के साथ पाकिस्तान ने सर क्रीक को भी अपना बताया है। पाकिस्तान की इस हरकत के बाद कयास यही लगाए जा रहे हैं कि जिस तरह से नेपाल ने चीन के उकसावे में आकर विवादित नक्शा जारी किया है, उसी तरह से पाकिस्तान भी चीन के उकसावे में ऐसा कदम उठा रहा है। चीन अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। पहले भारत के साथ सीमा पर तनाव पैदा किया, फिर नेपाल को उकसाया, जिसके बाद नेपाल ने विवादित नक्शा जारी कर भारत के साथ अपने संबंध बिगाड़े। अब चीन भारत के खिलाफ साजिश करने के लिए पाकिस्तान को भी उसी तरह उकसा रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान ने आग में घी का काम करते हुए नया विवादित नक्शा जारी कर दिया। लेकिन भारत ने इसका विरोध किया है और भारत पाकिस्तान को अपनी इन चालाकियों में कामयाब नहीं होने देगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। जी व्यूवर्स, आपने देखी वीडियो और इसमें देखा कैसे भारत का जो इस वक्त मीडिया वो सीख पाया है। और उनका ये कहना था कि जूनागढ़ का इलाका और पता नहीं कौन कौन से इलाके पाकिस्तान ने शामिल कर लिए हैं और ये हो गया और वो हो गया और इस तरह हो गया और उस तरह हो गया और चीन साजिशें कर रहा है, पाकिस्तान को भी उकसा रहा है। किसी ज़माने में ये कहा करते थे पाकिस्तान उकसा रहा है चीन को, और आज अब ये कह रहे हैं कि चीन उकसा रहा है पाकिस्तान को। और इनके इस तरह की बयानबाजी जारी भी रहेगी और इन्हें ऐसे ही तकलीफ पहुंचती रहेगी जैसे ये पाकिस्तान को पहुंचाने की किसी ज़माने में कोशिश किया करते थे। तो व्यूवर्स, नया ब्लॉग जो बनने जा रहा है, इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में इस पर मज़ीद मेजर डेवलपमेंट्स होंगी और जो जो सी पैक अपने हतमी मराहल तक पहुँचेगा तो बड़े बड़े ममालिक इसका हिस्सा भी बन चुके होंगे और पाकिस्तान की हाँ में भी हाँ मनाया करेंगे। चूँकि नेमतुल्ला शाह वली, उन्होंने भी अपने अशार के ज़रिए ये पेशगोई की थी कि पाकिस्तान एक ऐसे ब्लॉक को लीड करेगा कि जिसमें नून जिन ममालिक के एंड में आएगा उनकी कसीर तादाद होगी, यानी चीन है, ईरान है, ताजिकिस्तान है, काजिकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तुर्कमानिस्तान है, आज़रबाईजान है। तो ये तमाम ऐसे ममालिक हैं, ये वस्ती एशियाई रियासत हैं, ईरान, चीन, जो कि अब हम देख भी रहे हैं कि पाकिस्तान के साथ जुड़ना शुरू हो गई हैं और बेहतरीन तरीके से जुड़ रही हैं। तो व्यूवर्स, आने वाले दिनों में मज़ीद मेजर डेवलपमेंट्स आपके साथ मैं शेयर करूँगा। तब तक अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। कोरोना वायरस दम तोड़ रहा है लेकिन हमने एहतियात फिर भी करनी है। स्टे होम, स्टे सेफ, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फी अमानिल्लाह। नाज़रीन, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ।